हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तनुप्ता आज बात करने वाला हूँ 2 और 3 अक्टूबर की जो हमारी द हिंदू न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स होने वाली है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी प्रमुख खबरें होंगी उसको एक बार देख लेते हैं। माउंट एरेबस पर ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी होते हैं वो इतना फट रहे हैं इस समय, तो क्यों फट रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, माउंट एरेबस ज्वालामुखी फट रहे हैं, सोने से इसका क्या संबंध है, सोने क्यों इतना उगल रहे हैं, इस पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी होगी भारत में शवदान की प्रक्रिया क्या है और शवदान कहाँ पर होता है, कैसे होता है, कौन सा हॉस्पिटल इस पर प्रोसेस में जो रजिस्टर्ड है उसकी बात करेंगे। फिर हमारी होगी मणिपुर में अफसफा जो 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है उसको देखेंगे। मारबर्ग वायरस रोग, अब ये जो मारबर्ग वायरस रोग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज की डेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर भाई सारी मौतें भी नजर आ रही है, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री भी, नए प्रधानमंत्री जापान के चुने गए हैं, तो इनको देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। जो खास देश होते हैं जैसे कि यूएसए हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम्स में प्रधानमंत्री के बारे में पूछ ले जाते हैं। तो अन्य खबरों के लिए आज से जो भी हमारी खबरें होंगी उसको हम एक बार देख लेंगे। तो जल्दी से चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग नए हो, साथ में हमारा ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नट लर्निंग ऐप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के साथ साथ आपको और एक और चीज़ बता दूँ, यूपी की करंट अफेयर्स हमने चालू कर ली है और कई सारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, जैसे कि 7 से 8 वीडियो बन चुकी हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है जाके चैनल पर जाके देख लीजिएगा। खैर, हम आज की पहली अपनी करंट अफेयर्स चलते हैं माउंट एरेबस। अब माउंट एरेबस जो आप देख पा रहे हो कि ज्वालामुखी है और ये फट चुका है, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि सोना उगल रहा है, तो ऐसा इसमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कैसे उगल रहा है, कहानी के माध्यम से पूरी हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो हाल ही में चर्चा में है कि अजीबोगरीब घटना घटित हुई है कि अंटार्कटिका का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है माउंट एरेबस, सोने की धूल उगल रहा है। क्या है वहां पर अगर देखा जाए, वहां पर मतलब फोटो में इतना साफ नहीं है, लेकिन ये वाला जो मैंने फोटो उठाया हुआ है ये थोड़ा सा क्लियर है। यहाँ पर जो सोने की धूल है ना, वो मतलब यहाँ पर पूरा वायुमंडल में सोने की धूल से भर गया है और वैज्ञानिकों पूरी तरह से इसको हैरान भी कर रहा है कि अंटार्कटिका पर भी सोने के कण कैसे मिल सकते हैं। समझते हैं माउंट एरेबस के बारे में। तो दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है, जो साउथ में है वो सबसे एक्टिव वॉल्केनो के रूप में इसको जाना जाता है। अगर मैं इसके स्थान की बात करें तो अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि माउंट एरेबस किस द्वीप पर है, तो रॉस द्वीप पर है जो कि अंटार्कटिका पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज 1841 में ब्रिटिश खोजकर्ता थे सर जेम्स क्लार्क रॉस ने की थी, जिन्होंने इसका नाम अपने जहाज एरेबस के नाम पर रखा हुआ था। लगभग 3794 मीटर मतलब कि 12488 फीट की ऊंचाई पर माउंट एरेबस स्थित है, तभी तो इसको दुनिया का सबसे दक्षिण में सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह एक स्टेटो वॉल्केनो है। कभी कभी एग्जाम में वॉल्केनो भी कई तरीके के होते हैं तो एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने वो भी बता दिया है। यह एक स्टेटो वॉल्केनो है जिसकी विशेषता होती है शंकाकार आकार। कैसे होती है? शंख के आकार की, शंकाकार आकार इसकी विशेषता होती है, और इसमें जो लावा होता है वो कठोर लावा होता है। ट्रेफा पाया जाता है, आपने देखा होगा हल्के हल्के से पत्थर के जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं। ज्वालामुखी राख की परतें भी यहाँ देखने को मिल जाती है। माउंट एरेबस अपनी लगातार बनी रहने वाला लावा झील के लिए जाना जाता है, मतलब कि कहा जाता है कि माउंट एरेबस में बराबर जो वॉल्केनो है वो फटते रहते हैं, तो लावा झील के रूप में इसको जाना जाता है। यह झील कम से कम 1972 से तो सक्रिय है, मतलब कि 1972 से इसको देखा जा रहा है कि परमानेंटली एक्टिव रूप में है, और पृथ्वी पर केवल कुछ लंबे समय तक रहने वाली लावा झीलों में से एक है। यह लगातार मंथन करता रहता है और कभी कभी स्टेटो वॉल्मियन विस्फोटों में पिघली हुई चट्टान के बम की तरह यह उगलता है, मतलब कि क्योंकि देखो पृथ्वी के अंदर जब ये धीरे 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 पिघलता है, तो कहीं ना कहीं ये पिघली हुई चट्टान जब फाड़ के निकलता है ना धरती को, तो एकदम बम की तरह निकलता है। तो उसी तरीके से बताया है मैंने आपको, कभी कभी होता है लेकिन ऐसे अक्सर नहीं होता है, क्योंकि ज्वालामुखी एक दूरस्थ स्थान पर होते हैं, इसलिए शोधकर्ता उपग्रहों का उपयोग करके इसकी निगरानी भी करते रहते हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हर ज्वालामुखी, भैया रियासी इलाके में तो होगा नहीं, आपको भी पता है कि रियासी जो इलाके होते हैं वहां पर तो ज्वालामुखी होते नहीं है, ज्वालामुखी दूर के स्थान पर होते हैं, तो अब वहां पर लोगों का परमानेंट रहना तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो सैटेलाइट के माध्यम से उसकी निगरानी की जाती है। सबसे बड़ी अंटार्कटिक बस्ती की बात करें कौन सी है, तो मैकमुर्डो स्टेशन। कौन सी है? मैकमुर्डो स्टेशन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संचालित है और सबसे बड़ी अंटार्कटिका बस्ती है।
ज्वालामुखी की दृष्टि से अगर देखें तो 40 किलोमीटर या फिर 25 मील दूर यह स्थित फैली हुई है। तो कभी एग्जाम में आए कि अंटार्कटिका पर सबसे बड़ी बस्ती किसकी है, किस राज्य की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की है। और अगर कौन सी है ये पूछी जाए तो मैकमुर्डो स्टेशन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत के भी स्टेशन है कुछ अंटार्कटिका पर, आपको पता होगा। भारत के कौन कौन से स्टेशन है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। दो के नाम बता दो जो हाल ही में स्थापित किए गए, बाकी एक वाला छोड़ दो, ठीक है, आप मुझे बताइए। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप, ये वाला इस नाम से है, और यूट्यूब चैनल तो यूपीएससी नट नाम से है, लेकिन जो ऐप है वो नट लर्निंग नाम से है। बहुत सारे इसमें टाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको मैंने फोटो भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जाम्स की टेस्ट शीट लगाने को मिल जाती है, पीडीएफ लगाने को मिल जाती है, क्लासेस चलती रहती है, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी जाइएगा इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। खैर, भारत में संविधान की प्रक्रिया। अब जो भारत में जो संविधान होता है ना, मतलब कि जो शवों को, जो शव जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद कुछ दान होते हैं, बहुत से लोग अपने हार्ट को दान कर देते हैं, बहुत से लोग अपने आंखों को दान कर देते हैं, बहुत से लोग अपने दिल को, लीवर को, किडनी को, अलग अलग तरीके से लोग अपने शवों को दान की प्रक्रिया करते हैं। तो कैसे करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में चर्चा में है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने नेता सीताराम येचुरी के निधन हुआ है, जिन्होंने अपना शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि एम्स की बात कर रहा है, किसकी एम्स की बात कर रहा है, एम्स को दान कर दिया है। किसने किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं सीताराम येचुरी, इनका हाल ही में निधन हुआ और इन्होंने एम्स में अपने अंगों को दान कर दिया है। अब शरीर दान की लेकिन प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसको समझते हैं। लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, मुझे मोटिवेशन मिलता है और खुशी भी होती है। शरीर दान प्रक्रिया की बात करते हैं कैसे होता है। तो पूरे शरीर के दान क्या होता है, पूरे शरीर के दान पर नजर रखने के लिए कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है, अंग दान के विपरीत। सीधी सी बात यह है कि अगर किसी आपको अंग का दान करना है शरीर में, तो वो तो दान हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा शरीर दान करना है तो ऐसा कोई अभी तक राष्ट्रीय संगठन नहीं। सामान्यतः मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के शरीर रचना एटोनॉमी एनाटॉमी जो विभाग होता है वो सीधे तौर पर इसके प्रभारी होते हैं, लेकिन फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है, लेकिन मेडिकल जो कॉलेज होते हैं वहां पर शरीर रचना के माध्यम से जो विभाग होते हैं वही उनके प्रभारी बना दिए जाते हैं। व्यक्ति को उस निर्दिष्ट विभाग में जाना पड़ता है और जहां वह अपना शरीर दान करना चाहता है एक आवश्यक फॉर्म होता है, उस पर हस्ताक्षर भी करने होते हैं। मृत्यु के बाद दाता के निकटतम रिश्तेदार को दान की प्रक्रिया के लिए विभाग से संपर्क भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मान लो इंसान की मृत्यु हुई और उसने अपना दान के लिए हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन कोई भी निकटतम अगर रिश्तेदार होगा तो उसको जाना होगा और दान की पूरी प्रक्रिया के तहत विभाग से संपर्क भी करना होता है। शरीर दानकर्ता कौन हो सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भैया हर कोई तो कर नहीं सकता, लेकिन कौन हो सकता है, तो जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो, कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर सबको दानकर्ता बनने के लिए सहमति अपनी दे सकता है। मतलब कि जो उसका सब है उसको वह दान के रूप में दे सकता है, लेकिन कब दे सकता है, या तो उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो, 18 वर्ष से ज्यादा हो। यदि वह मृत्यु के समय पंजीकृत नहीं है तो भी उसके अभिभावक या उसके निकटतम रिश्तेदार उसका शरीर दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है वही पहले पंजीकृत करे, अगर वो चाहे उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को अभिभावक या फिर जो निकटतम रिश्तेदार होते हैं वो भी शरीर के दान कर सकते हैं, वो प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है। दीर्घकालिक जो बीमारियों से मरने वाले लोग होते हैं वो पात्र हो सकते हैं, लेकिन जो जैसे कि तपेदिक जो टीबी होती है उस बीमारी के, एचआईवी जैसे संक्रामक रोगों से जो पीड़ित लोगों के सब होते हैं उनको स्वीकार किए जाने की वहां पर संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। अब सीधी सी बात है, जिसको टीबी होगा तो हो सकता है उसके अंगों को दूसरे व्यक्ति में लगाएं तो उसको भी क्षति हो सकती है। अब जिसको एचआईवी रोग हो, एड्स रोग हो, तो उसको भी दिक्कत हो सकती है दूसरे व्यक्ति को। तो इसलिए इन शरीरों के जो दान होता है उससे बचा जाता है, संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो फिर आप अपने अंगों को दान या अपने शरीर को दान कर सकते हो। दान किए गए शवों का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि जो शरीर जैसे दान कर देते हैं लेकिन उनका उपयोग कहाँ होता है। तो शवदान में व्यक्ति जो मृत्यु के बाद अपना जो पूरा शरीर विज्ञान को दान कर देता है विभिन्न अंगों की बजाय, मतलब कि एक एक अंग ना दान करके पूरा का पूरा शरीर ही अगर दान कर देता है, तो उसके शवों का उपयोग डॉक्टरों को मानव शरीर रचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए, सर्जरी का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। हालांकि हो सकता है कि जैसे मान लो
अपने वीडियो में यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आपने सुना भी होगा, शरीर की मृत्यु होने के बाद दिल कुछ समय तक जिंदा रहता है, आंखें कुछ समय तक जिंदा रहती हैं। तो अब तुरंत अगर डोनेट कर दिया जाता है तो डॉक्टर इन सब चीजों को निकाल लेते हैं, दूसरे की हेल्प करने के भी काम आ जाते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। लेकिन एक तरीके से समझ सकते हो डॉक्टर्स क्या होती है, उसको सर्जरी का अभ्यास करने के लिए, मानव शरीर की संरचना को समझने के लिए अपना इसमें क्या कर सकते, उपयोग में ला सकते हैं। डॉक्टरों को जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, उसको देने के अलावा समूह का उपयोग नए चिकित्सा उपकरणों के विकास एवं विभिन्न रोगों के शारीरिक और प्रभावों को अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज उन लोगों के समूह को लेने से मना कर सकते हैं जिनकी मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई हो, जो मेडिकल लीगल मामले के अधीन हो, उन जो सब होते हैं उनको लेने से हुआ बचते हैं, मना कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर किसी को मामला केस चल रहा है, तो हो सकता है केस वाले मामले को लेने से बचे, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ लीगली प्रॉब्लम हो जाए, तो इस तरीके से बचते हैं। तो ये भी अपने एक आप में कानूनी प्रक्रिया है। भारत में शवदान की स्थिति क्या है ये समझते हैं। अब क्योंकि मान लो हम भारत की पूरी खबर पढ़ रहे हैं, तो विदेशों से तो क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन भारत से बन सकता है। भारत में शवदान की स्थिति क्या है, तो वर्तमान में भारत में शवदान का कोई समेकित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि भारत में अभी तक शवदान का कोई समेकित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन चिकित्सा संस्थानों ने प्रायः कमी की सूचना दी है कि कमी रहती है जो शवदान की प्रक्रिया है। वर्तमान में स्नातक मेडिकल कॉलेजों को प्रत्येक 10 छात्रों के लिए एक शव की आवश्यकता होती ही होती है। दिल्ली स्थित एम्स को पिछले 2 वर्षों में 70 शव मिले, जो 70 शव ऐसे मिले जो दान किए गए, और उनको कहा गया है कि जो शरीर संरचना के बारे में जानकारी देते हैं छात्रों को पढ़ाने में किसका उपयोग करेंगे, भाई सबों का ही प्रयोग करेंगे, भाई मनुष्य अगर चलता फिरता मनुष्य उस पर तो करेंगे नहीं प्रैक्टिकल, तो सबों पर ही करते हैं। तो इस तरीके से मेडिकल में भी कॉलेज जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको भी जरूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए अभी लेकिन हाल में भारत में ऐसी कोई आंकड़ा नहीं है या राष्ट्रीय कोई संगठन नहीं है कि उसको वहां पर शवदान किया जा सके। हाँ, लेकिन बहुत से अस्पताल हैं जो ले देते हैं, जैसे कि सफदरजंग अस्पताल है, कौन सा सफदरजंग अस्पताल, और उससे संबंध वर्तमान महावीर मेडिकल कॉलेज। पिछले 5 वर्षों में केवल 24 दान ही यहाँ पर शव प्राप्त किए गए हैं, मतलब कि 2 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर शव दान प्राप्त किए जाते हैं, सफदरजंग हो गया और वर्तमान महावीर मेडिकल, वहां पर 24 शवदानों को वहां पर प्राप्त किया गया है। एक और है राम मनोहर लोहिया अस्पताल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से कई सारी खबरें आपको देखने को मिलेंगी। और राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इससे संबंध एक अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान है, इसको AVVIMS कहते हैं। वर्ष 2019 में MBBS की पाठ्यक्रम की शुरुआत करने के बाद से केवल 18 शव यहां पर प्राप्त किए गए। तो अगर सफदरजंग और वर्धमान में देखा जाए तो 24, और राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी में देखा जाए तो 18, तो के हर साल देखा जाए तो केवल 18 और 24 अभी तक सिर्फ इतने ही शवों को प्राप्त किया गया है। खैर, हमारी नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, आप समझ गए ना शवदान की प्रक्रिया पूरा, मैंने हर चीज बताई है, भारत में स्थिति क्या है, शवदान उपयोग कहाँ होगा, कैसे दान हो सकता है, इसकी प्रक्रिया, तो हर चीज मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। खैर, नेक्स्ट करंट अफेयर से हम चलते हैं। मणिपुर में अफसपा जो है आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है तो कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ाया गया है और क्यों लगा है मणिपुर में, इसको हम समझते हैं। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम जो 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया, इसमें क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि वहां पर इम्फाल घाटी है, वहां पर जो इम्फाल घाटी के अंतर्गत 19 पुलिस थाना क्षेत्र और असम की सीमा से सटे एक क्षेत्र को वहां पर शामिल नहीं किया गया। इसका विस्तार 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा और 6 महीने तक यह प्रभावी रहेगा। सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम क्या है, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, जो कि वायसराय उस समय लिल निथुगो थे, उन्होंने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अध्यादेश 1942 को जारी किया था। तो ये कब का नियम है, 1942 का नियम है, सबसे पहले तो ये समझो। कब के दौरान किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था, कौन से वायसराय थे, लिल निथुगो थे। इसी अध्यादेश की तर्ज पर भारत सरकार 1947 में बंगाल, असम, पूर्वी बंगाल में विभाजन के कारण उत्पन्न जो अशांति होती है उससे निपटने के लिए 4 बार अध्यादेश जारी किए गए थे। इन्हीं अध्यादेशों के बाद में सैन्य बल जो अधिनियम 1958 है उसको परिवर्तित या उसको पारित किया गया था। तो कब किया गया था, 1958 में पारित किया गया था। प्रमुख प्रावधान को समझें तो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में
सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्ती दी जाती है। जहां पर अशांत हो गया मतलब कि वहां पर शांति नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को सख्ती दी जाती है कि आप शांति में। सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों को गोली मारने का भी अधिकार होता है। ध्यान रखना है जो यहाँ पर जो सशस्त्र बल या सुरक्षा कर्मी कार्य करते हैं लगे होते हैं, उनको किसी भी व्यक्ति को गोली मारने का आदेश होता है और उनको उसका रिकॉर्ड नहीं देना होता है, ठीक है। लेकिन वो तभी मारते हैं कोई कानून तोड़ता है, ऐसे नहीं। लेकिन हाँ, सभी को मार सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को गोली मार सकते हैं। यदि व्यक्ति की मौत जवाबदेही गोली चलाने वाले या गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी की नहीं। यह क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों को एकत्र करने पर रोक लगा सकते हैं। संदेह की होने की स्थिति में किसी स्थान की तलाशी ले सकते हैं। खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट भी कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार भी कर सकते हैं। हथियार ले जाने का संदेह होने पर किसी भी वाहन को रोककर उसकी तलाशी भी कर सकते हैं। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हो कि पुलिस शासन की स्थापना हो जाती है, इसकी पुलिस शासन की स्थापना इस माध्यम से हो जाती है। और यहाँ पर आर्टिकल 1921 का और 20 का भी, आर्टिकल 1920 का इसका क्या हो जाता है, हनन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तलाशी ली जा सकती है, खतरा हुआ तो नष्ट किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसको एकत्र होने से मना भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है कि सैन्य बल जो विशेष शक्ति अधिनियम है कब पारित किया गया था, 1942, 1947, 1958, 1968। मैंने इसका आंसर आप लोगों को वैसे तो अभी पूरी डिटेल में बताया हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है मारबर्ग वायरस रोग। अब ये मारबर्ग वायरस रोग जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है इसको हम समझते हैं। मारबर्ग वायरस रोग के बारे में समझें तो यह वायरस रोग का कारण जो है, रवांडा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस से। मारबर्ग वायरस के कारण रवांडा कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है रवांडा, वहां पर मारबर्ग वायरस के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस रोग का क्या है, तो इससे पहले मारबर्ग रक्त स्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसको मारबर्ग वायरस कहते हैं। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्त स्रावी बुखार आता है, जैसे आप देख पा रहे हो आंखों में एकदम खून सा उतर आया है, रेड रेड खून उतर आया है, तो इसीलिए इसको रक्त स्रावी बुखार कहते हैं। यह मारबर्ग वायरस के कारण होता है। यह एक आनुवंशिक रूप से अद्वितीय जीनोटिक आरएनए वायरस है। कैसा है, आरएनए वायरस है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि आरएनए वायरस है और डीएनए वायरस है, तो आप बता सकते हो डीएनए नहीं है, आरएनए वायरस है जो कि जीनोटिक है। मारबर्ग और इबोला दोनों ही फिलोविरिडे परिवार फिलोवायरस के सदस्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मारबर्ग है और इबोला है, इबोला भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, मारबर्ग और इबोला दोनों ही फिलोविरिडे परिवार से या फिलोवायरस परिवार के सदस्य है। यह वायरस का नाम जर्मन शहर मारबर्ग से लिया गया है, जो जर्मन का एक शहर है मारबर्ग, वहां से लिया गया, क्योंकि इसी शहर से 1967 में पहली बार इसकी पहचान की प्रयोगशाला में पुष्टि की गई थी। यह वायरस सबसे पहले चमगादड़ों से मनुष्य में फैल सकता है, जो चमगादड़ होते हैं उनसे सबसे पहले यह मनुष्य में फैल सकता है। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति से रक्त या फिर अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से दूसरे माध्यम व्यक्ति में भी यह फैल सकता है। तो पहले चमगादड़ से मनुष्य में, फिर मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकता है। लक्षण की बात करें तो इसमें बुखार आना, ठंड लगना, सिरदर्द होना, मांसपेशियों में दर्द, चपटे उभरे हुए दाने, सीने में दर्द, गले में बुखारांस, मतली, उल्टी, दस्त इत्यादि यहाँ पर लक्षण देखने को मिल जाते हैं। मारबर्ग रोग के लिए अभी तक कोई भी उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इस रोग की मृत्यु दर जो है वो 50% है। कितनी है मृत्यु दर इसकी रोग की बात करें तो 50% देखने को मिल रही है। रवांडा देख लेते हैं कहाँ पर है, तो यह मध्य अफ्रीका में स्थित है, पूर्वी मध्य अफ्रीका में रवांडा देश स्थित है, और यह चारों तरफ से एक तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड देश है यह। इसकी सीमा वरुंडी, युगांडा, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उन चारों देशों से इसकी सीमा लगती है। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे युगांडा से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से, वरुंडी से, तंजानिया से, तो इसकी सीमा चार देशों से लगती है। रवांडा की राजधानी किगाली है और इसकी जो मुद्रा है वो रवांडा फ्रैंक है, ठीक है।
इससे रवांडा से संबंधित भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा रवांडा से नहीं लगती है? बुरुंडी, युगांडा, तंजानिया, केन्या। मैंने आपको अभी पूरी डिटेल से बताया है, मैप पे भी दिखाया था, तो इसका आंसर आप लोग जरूर मुझे कमेंट में दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है आप लोग दोगे। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जापान के नए प्रधानमंत्री। अब भैया जापान की बात करेंगे, जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सिगेरू इशिबा। क्या नाम है? सिगेरू इशिबा इनका नाम है, जो कि जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले जापान के रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री यह रह चुके हैं, तो इनके हाथ में रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री, कृषि डिपार्टमेंट था, ध्यान रखिएगा। और ये 1 अक्टूबर को संसद सत्र की शुरुआत के साथ पद को संभाल लिया है। जापान के प्रधानमंत्री के रूप में ये फुमियो किशिदा का स्थान ले रहे हैं। किस कौन का स्थान ले रहा है? फुमियो किशिदा का स्थान ये ले रहा है और इनका नाम है सिगेरू इशिबा। जापान की बात करें तो दक्षिण प्रशांत महासागर में, सॉरी जापान की बात करें तो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। कैसा? एक द्वीपीय देश है। 4 इसमें मुख्य द्वीप हैं, होकड़ू, होन्शु, सिकोगु और क्यूसू। ये 4 द्वीपों के नाम ध्यान रखना है, मैप पे एक बार जरूर देख लेना है इनकी डायरेक्शन क्या है। ऐसे देख लेना नॉर्थ से साउथ कैसे है, ठीक है। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है और यहाँ का जो होन्शु द्वीप है यही सबसे ज्यादा प्रमुख भी है। जापान की मुद्रा एन है। क्या है? एन जापान की मुद्रा है। आज की हमारी अंतिम कंटेंट की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध दिवस। अब ये अंतर्राष्ट्रीय जो बुद्ध दिवस है कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में। इसका उद्देश्य क्या है? जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनसे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है, इसका उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 2024 की थीम की बात करें तो गरिमा के साथ वृद्धावस्था। क्या है? गरिमा के साथ वृद्धावस्था 2024 की थीम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 अक्टूबर 1990 को 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाने के लिए इसको नामित किया हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के दशक 2021 से 30 को स्वस्थ वृद्धावस्था दशक के रूप में घोषित भी किया गया है। ध्यान रखना है दशक की बात की जाए कभी भी, अगर दशक बात करें कि संयुक्त राष्ट्र ने कब घोषित किया है, तो 2021 से लेके 2030 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था के दशक के रूप में घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1990 से की गई थी, 2024 में इसकी थीम है गरिमा के साथ वृद्धावस्था थीम। इसके साथ भी आपको मुझे एक आंसर देना है कमेंट करके, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस से कब मनाया जाता है? 1 जून, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तो आप मुझे कमेंट दे करके जरूर बताइएगा कब मनाया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को ये पूरा सेशन पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि ऐप पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती रहती है, टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग वहां पर कोई भी चीज की आप लोग करंट अफेयर से आप लोग वहां पर जाकर पढ़ सकते हो। सोशल साइट पे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो आपको मिलता रहे। तो आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।